हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर की हम शामी फतवात पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले दमिश्क का मुआसरा पढ़ेंगे। देखें जी, मैंने आपको बताया था हजरत खालिद बिन वलीद इराक की बॉर्डर पे थे, लेकिन इनको हजरत अबूबकर सिद्दीक ने हुक्म दिया कि आधी फौज मसना बिन हारिस के पास छोड़कर आप चले जाए शाम की तरफ। तो कहते हैं शाम, इराक और शाम के दरमियान एक बहुत बड़ा सहरा है, वो सहरा जी पार करना बड़ा मुश्किल था, लेकिन कमाल की बहादुरी दिखाई हजरत खालिद बिन वलीद ने, सहरा क्रॉस करके फौज के साथ शाम पहुंच गए और ये छोटे छोटे इलाकों को फतह करते हुए दमिश्क पहुंच गए। अब देखें, हजरत उमर ने हजरत अबू अबैदा को भी फौज देकर शाम रवाना किया। तो ये दमिश्क जो है, इसके चारों तरफ एक दीवार थी, फसील थी, शहर अंदर था। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क्या करते थे, रात को गश्त करते थे। एक दफा ये रात को जब बाहर निकले, इन्होंने देखा कि शहर के अंदर जश्न हो रहा है। जब शहर के अंदर जश्न हो रहा है तो इन उधर किसी बच्चे की पैदाइश हुई है किसी बड़े घर के, तो सारे जश्न जी मना रहे हैं। जैसे ही वो लोग सोए, हजरत खालिद बिन वलीद ने अपनी फौज को शहर के अंदर दाखिल कर दिया। और जैसे ही फौज दाखिल होती है, हजरत खालिद बिन वलीद इन ये दमिश्क वालों से लड़ते लड़ते जब शहर के मरकज तक पहुंचते हैं, उधर से देखते हैं तो शाम ये दमिश्क वाले हजरत अबू उबैदा के साथ ही आ रहे हैं और तलवार जो है म्यान में रखी हुई है। इधर से खालिद बिन वलीद जो है वो तलवार हाथ में लिए और तलवार से खून टपक रहा है, वो सीधे आके अबू उबैदा से पूछते हैं, जी ये क्या, मैं इधर जंग कर रहा हूँ, आप तो इनके साथ आ रहे हैं। उन्होंने कहा, जी मुझे आपका पता नहीं था, लेकिन मैंने इनसे मुआहदा कर लिया है, सुलह हो गई है, लिहाजा आप भी जंग बंदी कर दें। तो इस तरह हजरत खालिद बिन वलीद ने भी जंग बंद कर दी और ये दमिश्क जो था, इस तरह इन्होंने कहा हम जजिया देंगे, तो इनके साथ सुलह हो गई और इस तरीके से दमिश्क जो था ये दारुल हुकूमत था किसका, शाम का, ये मुसलमानों ने फतह कर लिया। अब हमें आते हैं एक तारीखी जंग की तरफ जिसका नाम है जंग यरमूक। दमिश्क, उर्दन और दूसरे इलाके फतह करने के बाद इस्लामी फौज दरियाए यरमूक के पास पहुंच गई। इसमें हजरत अबू उबैदा, उमर बिन अल-आस, शज्जील, यजीद बिन अबू सफियान भी अपने अपने लश्कर लेकर मुसलमान फौज के साथ शामिल हो गए। खालिद बिन वलीद को सिपा सलार मुकर्रर किया गया। अच्छा, इस जंग में मैंने ये नहीं बताया आपको, इस जंग में खालिद बिन वलीद को सिपा सलार जब मुकर्रर किया गया तो उसने इस्लामी फौज को 38 हिस्सों में तकसीम किया, हर हिस्से के ऊपर एक कमांडर मुकर्रर किया। और दूसरी तरफ मुसलमानों की बात, तारीख दान कहते हैं कि मुसलमानों की जो तादाद थी 50,000 से 70,000 थी, बास कहते हैं 30,000 से 50,000 के दरमियान थी, और जबकि शामी फौजों की तादाद 2 लाख के करीब करीब थी। और हरकल जो था कैसर रूम खुद इसकी निगरानी कर रहा था। तो मुसलमानों ने जब ये किया, जंग शुरू हुई, तो शामियों का ये तरीका था, यानी शाम वो आते थे मुसलमानों पे हमला करके पीछे हट जाते थे, तो मुसलमानों के लिए बड़ा मसला बन जाता था, मुसलमानों का बड़ा नुकसान कर देते थे। अब मुसलमान ये जंग याद रखे 5 दिन जारी रही, और इसी जंग में ये अबू सफियान बाद में मुसलमान हो गया, इसकी बीवी हिंदा जो थी वो भी मुसलमान हुई, वो भी इस जंग में शामिल थी। और ये भी कहा जाता है कि अबू सफियान जो था, उसकी जब तीर लगा उसकी आंख में जख्मी हुआ, ये पीछे हट रहा था, हिंदा ने उसकी बीवी ने कहा कि बुजदिलों की तरह मत भागो, जाके हमला करो। तो अबू सफियान दोबारा गया, इस्लामी फौज के साथ शामिल हुआ और मुसलमानों ने, खालिद बिन वलीद ने क्या किया, इसने एक दस्ते तैयार किए, वो शामी फौज के अंदर घुसते थे, उनकी सफों को तोड़ के नुकसान करके फिर पीछे हट जाते थे। इस तरह ये टैक्टिक्स जो थी जंग का, ये बड़ा कामयाब रहा। और इस तरीके से जब शामियों ने देखा कि उनका बड़ा नुकसान हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा कत्ल आम इनका जब जारी हुआ तो ये भागने लगे। जब भागने लगे मुसलमानों ने क्या किया कि इन्होंने ये यहाँ से, जैसे ये मैदान जंग है, ये मैदान जंग है, यहाँ से ये इस तरफ दरिया आ रहा है, यहाँ पे एक घाटी थी, ये पहाड़ से थे, यहाँ पे मुसलमानों ने एक दस्ता छुपाया हुआ था। जैसे ही ये फौज भाग के यहाँ आती है, मुसलमान इन पे हमला करते हैं
और ये रूमी या शामी जितने फौजी हैं पीछे हटते हैं आगे दरिया है, और कहा जाता है कि 1 लाख से ज्यादा रूमी जो है दरियाए जरमूक में डूब के मर गए, और इस जंग में जो है 5,000 मुसलमान शहीद हुए, और यही वो जंग थी जिसमें बहुत बड़े बड़े अकरमा बिन अबू जहल और इसी तरीके से बहुत से मशहूर लोग भी इस जंग में शहीद हुए। लेकिन ये ऐसी जंग थी, ये अजीम शान, मैंने मुख्तसर तौर पर आपको बताया, ये इतनी बड़ी अजीम शान जंग थी कि ये रूमी सल्तनत की कमर टूट गई। इसके बाद वो कहीं भी मुसलमानों का मुकाबला उस तरीके से नहीं कर सके। तो ये जंग यरमूक जो थी, ये यानी बहुत बड़ी जंग थी, जिस तरह जंग कासिया ईरानियों के साथ बड़ी जंग थी, तो जंग यरमूक ये सल्तनत रूमा का यानी खात्मा समझे, और शाम से इस तरह ये सल्तनत रूमा का खात्मा होता है। और कहा जाता है ये हरकल जो था, इसने जब शाम की तरफ निगाह करके देखा तो कहा कि अल्लाह हाफिज़ शाम, अब मैं यहाँ नहीं आ सकूँगा। तो इनके जो दमेश और इर्द गिर्द के जितने इलाके थे, रूमी सल्तनत के सदियों के ख़जाने और बेशुमार माल गनीमत मुसलमानों के कब्जे में आया, इन सारी चीज़ों को जमा किया और इस्लामी फ़ौज ने ऊँटों पर घोड़ों पर लाद कर, और इसी तरीके से बहुत से लोग ग़ुलाम भी बनाए गए और वो मदीना की तरफ रवाना किया गया। तो ये हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में यानी जंग यरमूक और दमिश्क का मुआसरा हमने आज पढ़ा है। नेक्स्ट इंशाल्लाह आगे हम मिस्र की फतह, फलस्तीन की फतह और ये कुछ रह गया है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वो पढ़ेंगे, और फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है जी।